कैसे आप किसी का सिर्फ फेस देखकर उसके बारे में सब कुछ जान सकते हैं, उसका कैरेक्टर, उसकी ट्रू इंटेंशन, उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, वो कितना लॉयल है, सब कुछ कैसे, देखेंगे इस वीडियो में एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। शुरू करते हैं। कैसे आप किसी भी इंसान को उसकी इमेज से, सिर्फ फोटोग्राफ से भी जान सकते हैं कंप्लीटली, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बट उससे पहले, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मेक श्योर आप अभी इसको सब्सक्राइब करें। एंड इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूं फेस रीडिंग से जुड़ा, जो आपके लिए जानना जरूरी है। इसलिए मेक श्योर आप ये वीडियो एंड तक देखें। आपने मेरी वीडियो से फेस रीडिंग से जुड़ी कई चीजें सीखी है। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैसे आप रियल लाइफ में किसी का फेस रीड करेंगे। इस वीडियो में हम एक फोटोग्राफ से एक रियल पर्सन का फेस रीड करने वाले हैं। जस्ट लुक एट दिस फोटोग्राफ। अब अगर इसकी फेस रीडिंग करनी है तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले जो चीज सबसे एक्सट्रीम दिख रही है। इसके फेस में सबसे एक्सट्रीम क्या दिख रहा है आपको? इसके फेस में सबसे एक्सट्रीम है इसकी आईब्रोज। फेस छोटा है बट आईब्रोज बहुत थिक है और बड़ी है। ऐसे लोग जिनकी आईब्रोज थिक और बड़ी होती है, ये लोग डिटेल वाले लोग होते हैं। ये हर चीज की डिटेल में जाते हैं। अगर एक कोई प्रोडक्ट भी मार्केट में खरीदने जाते हैं तो उस प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ जान के ही अपना डिसीजन बनाते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो ब्रीफ समरी में विश्वास नहीं करते। इनको एक एक चीज चाहिए, किसी भी चीज के बारे में एक एक चीज पता होनी चाहिए, तभी ये अपना डिसीजन बना पाएंगे। एक चीज और आप देखिए, इसके फेस में, इसका फेस टू पार्ट्स में डिवाइड है, राइट और लेफ्ट फेस में। सारे फेसेस टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, राइट फेस और लेफ्ट फेस। जो राइट फेस है वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ दिखाता है, हम प्रोफेशनल लाइफ में कैसे हैं। लेफ्ट फेस दिखाता है हम पर्सनल लाइफ में कैसे हैं। आप अगर देखेंगे तो इसके राइट जो फेस है उसके अंदर जो आईब्रो है वो आईज से थोड़ा दूर है, आईज में और आईब्रोज में थोड़ा सा डिस्टेंस है। बट लेफ्ट साइड में जो आईब्रो और आई के बीच में डिस्टेंस है बहुत कम है। अगर आई और आईब्रोज के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होता है तो ऐसा इंसान बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। क्या पता चलता है इससे? मतलब इसके लेफ्ट साइड की आईब्रो और आईज में गैप बहुत कम है। दैट मीन्स ये अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, अपने घर वालों से, अपने रिलेटिव से या फिर अपने फ्रेंड से बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाता होगा, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता होगा, नाराज हो जाता होगा। अब नोज पे आते हैं। जो नोज है आप देख सकते हैं, नोज बहुत थिक है, बड़ी नोज है। ऐसे लोग जिनकी नोज बहुत थिक होती है, ये मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं। इनको मटेरियलिस्टिक चीजें बहुत अच्छी लगती है। इनको मसाज पार्लर में जाना अच्छा लगता है, इनको फॉरेन ट्रिप पे जाना अच्छा लगता है। तो ये मटेरियलिस्टिक चीजों को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। नाउ लिप्स की बात करते हैं। लिप्स में आप देख सकते हैं लोअर लिप जो है वो ज्यादा थिक है। इसका मीनिंग, ये पर्सन बहुत अच्छी पर्सुएशन पावर रखता है, लोगों को कन्विंस करने की इसके अंदर पोटेंशियल है, क्योंकि इसका लोअर लिप ज्यादा थिक है। एक चीज और, जिनका लोअर लिप थिक होता है वो जनरली अपनी पर्सनल लाइफ बाहर लोगों से शेयर नहीं करते हैं। इनफैक्ट अपने क्लोज फ्रेंड से भी अपनी फैमिली की बातें शेयर नहीं करते हैं। और ये पर्सन अपनी फैमिली की बात अपनी फ्रेंड से या रिलेटिव से शेयर नहीं करता होगा। फैमिली की बात फैमिली में रहती होगी, फ्रेंड्स और रिलेटिव तक नहीं पहुंचती होगी। इसके लिप्स ये बताते हैं। हम आते हैं इसके एम्बिशन जोन पे, पूरा एम्बिशन जोन देखते हैं। एम्बिशन जोन कहां से कहां तक होता है मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूं। एम्बिशन जोन होता है आपके जो नोज का स्टार्टिंग पॉइंट है, आईब्रोज के बीच में, वहां से लेके जहां तक आपकी नोज खत्म हो रही है, ये पूरा जोन बोलते हैं एम्बिशन जोन। इसका एम्बिशन जोन इसके फेस में सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है, सबसे ज्यादा बड़ा है। तीन जोन होते हैं फेस में। सबसे ऊपर होता है एनालिटिकल जोन, जो हमारे फोरहेड पे होता है, फिर हमारे नोज पे होता है एम्बिशन जोन, और नोज के नीचे जहां तक फेस है वो होता है हमारा प्रैक्टिकल जोन, अर्थ जोन। इसका एम्बिशन जोन बहुत बड़ा है। जिनका एम्बिशन जोन बहुत बड़ा होता है, ये लोग कैसे होते हैं? ये लोग अपनी लाइफ में अपनी सिचुएशन को चेंज करने के लिए पूरा दम लगा देते हैं। मतलब ये अपने
विल पावर में बहुत बिलीव करते हैं कि मेरे को अपने विल पावर से अपनी लाइफ की जो भी सिचुएशन है, भले वो फाइनेंशियल सिचुएशन हो, हेल्थ की सिचुएशन हो, या कोई भी रिलेशनशिप की सिचुएशन हो, उसको अच्छा बनाना है। तो ये इनके लिए बहुत पॉजिटिव बात है। एक चीज और, मैंने आपको ये भी बताया था, अगर एम्बिशन जोन बड़ा होता है, दैट मीन्स इस पर्सन की लाइफ 28 से 59 तक बहुत ही गोल्डन ईयर्स होते हैं। तो इस पर्सन के लिए गोल्डन ईयर्स है 28 ईयर्स से लेके 59 ईयर्स की एज। अब नीचे आते हैं, इसके फेस का शेप देखिए, ऊपर से फेस स्क्वायर है जो फोरहेड है, नीचे आते आते फेस ओवल हो गया, मतलब इसका फेस स्क्वायर और ओवल का मिक्स है। तो मतलब इसके अंदर दोनों लोगों की क्वालिटी है। जो स्क्वायर फेस वाले लोग होते हैं उनकी क्या क्वालिटीज होती है, ये लोग बहुत ही डिटरमाइंड लोग होते हैं, एक बार सोच लिया ये करना है तो करना है। स्टर्म बहुत लोग होते हैं, बहुत जिद्दी लोग होते हैं। इसके साथ में इनमें और भी कई अच्छी बातें होती हैं, ये लोग प्रैक्टिकल लोग होते हैं, थ्योरेटिकल अप्रोच लाइफ में नहीं अपनाते, प्रैक्टिकल अप्रोच लाइफ में ये अडेप्ट करते हैं। इनका ओवल शेप भी है, नीचे से आप देखिए इनका ओवल शेप भी है। ऐसे लोग जिनका नीचे ओवल शेप होता है, इनके अंदर इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है, इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है। एक चीज और, ओवल शेप में एक प्रॉब्लम होती है ओवल शेप वाले लोगों के साथ, कि ये चीजों को शुरू करके कई बार कंप्लीट नहीं कर पाते। इनफैक्ट 50% चीजें कंप्लीट नहीं कर पाते लाइफ में जिनका ओवल शेप होता है। तो ये प्रॉब्लम इनके फेस में लग रही है कि ये चीजें शुरू करके उसको कंप्लीट नहीं कर पाते, और इस कारण ही इनकी लाइफ में जो 90% प्रॉब्लम है वो इस कारण ही है कि ये चीजों को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। स्क्वायर फेस एक चीज और बताता है, पर्सन हार्डवर्किंग है और थोड़ा रिजिड है। ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने शेयर की कि कैसे आप किसी का फेस रीड कर सकते हैं। ये बहुत कुछ चीजें मैंने आपसे शेयर करी, फेस रीडिंग से आप सब कुछ जान सकते हैं। फेस रीडिंग एक ऐसी स्किल है, इसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ये आपको बेनिफिट देगी। कैसे किसी को कन्विंस करना है, कैसे किसी को समझना है, कैसे खुद को समझना है, इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी स्किल शार्प होगी। सो कीप प्रैक्टिसिंग, इट्स अ मोस्ट पावरफुल स्किल इन दिस वर्ल्ड। फेस रीडिंग से जुड़ा एक बड़ा सीक्रेट है, वो ये है, जैसे जैसे हमारी लाइफ में हम बिहेव करते हैं, हमारा लाइफ के लिए व्यू होता है, वैसे हमारे फेस के फीचर शेप लेते हैं। अगर कोई इंसान पेसिमिस्टिक है, निराशावादी है, नेगेटिव सोचता है, तो वैसे उसके फेस में फीचर्स रिफ्लेक्ट करते हैं। और कोई इंसान पॉजिटिव है या बहुत प्रोडक्टिव है, तो वैसे फीचर्स उसके फेस में रिफ्लेक्ट करते हैं, वैसे फीचर्स हमारे शेप लेते हैं। तो आप कैसे अपना काम करेंगे, कैसा लाइफ के लिए व्यू रखेंगे, कैसा एटीट्यूड रखेंगे, कैसी अप्रोच रखेंगे, इस पे भी आपकी फेस की जो ब्यूटी है वो डिपेंड करती है। दिस इज गौरव द्विवेदी साइनिंग ऑफ, अंटिल वी मीट अगेन।